सर बिंदु जी, बात करें अगर कुक्कुट की, तो बिनौला खल में हम देख रहे हैं कि आज 2800 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी देखने को मिली है। कल भी हमने 2800 के ऊपर ही इसको ट्रेड करते देखा था। आपको क्या लगता है, क्या वीकली क्लोजिंग होते होते अगर 2800 के ऊपर की वीकली क्लोजिंग मिल जाती है, तो क्या आने वाले कारोबारी सप्ताह में 2900 या 3000 के भी लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए, पहले भी हमने कोकोड की बात करी थी, तो कोकोड में हमने हायर साइड के ही लेवल बताए थे। अभी जी फर्दर इसमें अगर देखें तो कॉटन की साइड से सपोर्ट मिल रहा है। कॉटन में प्राइसेस जो है वो ऑलरेडी 55% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हायर साइड मूव कर रहे हैं। कंसर्न है इसका कि प्रोडक्शन कम हो रही है, और दूसरा अराइवल्स जो है वो थोड़े स्लो है, और डिमांड जो है एक्सपोर्ट साइड से वो काफी अच्छी है। इसी वजह से कॉटन प्राइसेस हायर साइड में है, और वहीं से एज लेते हुए कोकोड प्राइसेस जो है ये फर्दर अपसाइड ही मूव करेंगे। चांसेस यही लग रहे हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में हम इस कमोडिटी को 3000 के लेवल तक भी देख सकते हैं। सपोर्ट जो है जो शॉर्ट टर्म के लिए ये 2790 के आसपास होल्ड कर रहा है, तो अगर डिप करते हैं तो वहां से बाइंग करके चल सकते हैं। जी,